Hey guys, let's start the mesmerizing cooking journey with me, Aisha. Hey there, food lovers. Welcome back to Star Home Cooking. If you are new here, I am Aisha, and today we are diving into a delicious recipe you won't want to miss. Today we are making one of the most popular and mouth-watering dish, chicken kebab. Whether you are a beginner or an expert in the kitchen, this recipe is simple and packed with flavors that will impress anyone. These kebabs are juicy, tender and bursting with spices. Perfect for grilling, pan frying or even in the oven. Plus I am going to share some secret tips to make them even more irresistible. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेहतरीन चिकन कबाब। सबसे पहले एक बाउल में एक कप दही लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेटेंगे ताकि ये अच्छे से क्रीमी हो जाए। अच्छी तरह दही को फेटने के बाद मैंने इसमें 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड किया है। अगर इस चिकन कबाब में हम कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करेंगे तो हमें फूड कलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल लाल मिर्च को ऐड कर सकते हो। अब इसमें नमक और 1/2 स्पून जीरा पाउडर को भी ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अगर इस रेसिपी में जीरा पाउडर घर का बना हुआ यूज़ करेंगे तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। इसी के साथ इसमें 2 स्पून धनिया पाउडर को भी ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर को भी इसमें ऐड करना है। 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स को भी इसमें ऐड करते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, सारे मसालों को कोशिश कीजिए घर में ही बनाइए, क्योंकि घर में बने मसालों की बात ही कुछ और होती है। ओरिगैनो 1 स्पून, 1/2 चम्मच हल्दी को भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रेसिपीज खुशबूदार और टेस्टी बने तो महीने में कम से कम 1 दिन निकालें और छोटे मोटे मसालों को घर में ही बनाने की कोशिश करें। वन स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट ना योगर्ट है। दही बिल्कुल खट्टा और पतला ना हो इसका आप ख्याल रखें। इसमें 2 स्पून ऑयल को भी ऐड करते हैं। अब इसमें 1 kg चिकन को ऐड करेंगे। एनश्योर चिकन इज फ्री फ्रॉम एक्सेस मॉइस्चर। एक्सेस मॉइस्चर इधर इन द चिकन और योगर्ट इज गोइंग टू ड्रिप फ्रॉम द चिकन, सो दिस डोंट मेक द चिकन कबाब सो गुड। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन को अच्छे से कोट हो जाए। अब इसमें 3 स्पून लेमन जूस को ऐड करेंगे। एक बार मसालों को टेस्ट करके देख लें, अगर नमक या मिर्च कम हो तो इसे एडजस्ट कर लें। अब इस चिकन को 1.5 से 2 घंटों के लिए मैरिनेट होने देंगे। अलाउ द चिकन टू मैरिनेट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स और ओवर नाइट इफ पॉसिबल। दिस एनहांस द फ्लेवर एंड टेंडरनेस। इस रेसिपी में योगर्ट या लेमन को जरूर यूज करना है। द एसिडिटी हेल्प्स टू टेंडराइज द चिकन एंड कीप्स इट मॉइस्ट। पैन गर्म होने के बाद इसमें 1 स्पून बटर को ऐड करते हैं। इसी के साथ इसमें 3 स्पून ऑयल को भी ऐड करें। ऑयल गर्म होने के बाद स्टोव की फ्लेम को मीडियम कर लें। हमें ना चिकन कबाब्स को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब इसमें 1 by 1 चिकन को ऐड करते हैं। सारे चिकन को आप एट ए टाइम पैन में ना डालें। चिकन को 1 by 1 साइड बाय साइड ही रखें। पैन में ज्यादा चिकन को भी फ्राई ना करें, थोड़े थोड़े चिकन को बैचेस में फ्राई करें। इस चिकन को हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई ना करें, ये चिकन ना बहुत जल्दी जल जाती है। चिकन कैन ड्राई आउट क्विकली, सो कीप एन आई ऑन कुकिंग टाइम्स टू अवॉइड ओवर कुकिंग। मीडियम फ्लेम पर चिकन को 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही फ्राई होने देते हैं। दस मिनट के बाद चिकन को जेंटली टर्न करते हैं। सारे पीसेस को पलटाते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई होने दें। ध्यान रहे बहुत जेंटली इन्हें टर्न करना है, अदरवाइज ये चिकन के पीसेस टूट जाएंगे।
आप देख सकते हो चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। चिकन को हमने रेडिश ब्राउन नहीं करना, इसे थोड़ा सा ब्लैक कलर आने तक हमें फ्राई करना होगा। चिकन को जलाना नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक कलर आने देते हैं। ये हो गए हमारे टेस्टी जूसी चिकन कबाब तैयार। लेट द चिकन रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स आफ्टर कुकिंग। दिस अलाउ द जूस टू रीडिस्ट्रीब्यूट एंड मेक्स द कबाब जूसियर। ये चिकन ना परफेक्ट स्नैक, परफेक्ट स्टार्टर और परफेक्ट साइड डिश है। आप इसे एंजॉय करें ग्रीन चटनी और टमाटर के सॉस के साथ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय डिलीशियस रेसिपीज।